Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zameer and welcome to my YouTube channel. In last video we saw the introduction of chasing the sea monster. Today we will see its translation. Hello students, पिछले वीडियो में हमने chasing the sea monster इसका introduction देखे. आज हम इसकी जो translation है वो देखेंगे. Chasing the sea monster, chase यानी के पीछा करना, sea monster यानी के समंदरी राक्षस का एक मॉन्स्टर, एक बड़ा जानवर, उसका पीछा करना. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर दिया गया है, देखो मॉन्स्टर के मानी बिग स्केरी एनिमल, एक बड़ा भयानक जानवर. आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक बट द अनअर्थली एनिमल केम एट अस विथ अ स्पीड डबल आवर ओन. और फ्रिगेट कहते हैं जंगी जहाज़. जो ये एक जो स्टोरी है ये अभी की नहीं है, रिसेंट नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है. तो पानी का जो समंदरी जंगी जहाज़ होता है उसे कहते हैं फ्रिगेट. तो हमारा जो जंगी जहाज़ था वांटेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता था. बट द अनअर्थली एनिमल, लेकिन एक ऐसा जानवर अनअर्थली जो इस ज़मीन का नहीं है या जिसको हमने आज तक नहीं देखा, वो जानवर के मैट अस, वो हमारे पास आया या हमारे ऊपर आया विथ अ स्पीड डबल आवर ओन. हमारी जो स्पीड थी, हमारी जो रफ्तार से जो जहाज़ चल रहा था, उस स्पीड से, दुगनी रफ्तार से, दुगनी स्पीड से वो जानवर हमारी तरफ आया. वी गैस्प यानी कि हम एकदम दंग रह गए, हक्के बक्के रह गए. मोर स्टंड देन अफ्रेड, हमको ज़्यादा हैरत थी, स्टंट ज़्यादा थे देन अफ्रेड यानी कि डर से ज़्यादा हमको हैरत थी कि ये कौन सा जानवर है, क्या चीज़ है. वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हम एकदम खामोशी से, म्यूट यानी कि बिल्कुल बिना कुछ कहे, और मोशनलेस यानी कि बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे. द एनिमल कॉट अप विथ अस प्लेड विथ अस, वो एनिमल, वो जानवर हमारे पास आ गया, हमको पकड़ लिया, मतलब हमारे करीब बिल्कुल आ गया. हम जो रफ्तार से जा रहे थे वो उससे ज़्यादा रफ्तार से हमारे पास आ गया. विथ एंड प्लेड विथ अस, और वो हमारे साथ एक खेल खेलने लगा. इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप्ड अस इन शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वेयर लाइक ल्यूमिनस डस्ट. अब वो जानवर जो था वो हमारे अतराफ एक उसने चक्कर लगाया, पूरा राउंड सर्कल लगाया, और हमारे जो फ्रिगेट था, हमारा जो जंगी जहाज़ था, उसको लपेट दिया कह में इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की एक शीट में हमको लपेट दिया. दैट वेयर लाइक ल्यूमिनस डस्ट, और वो ऐसी थी जैसे कि एक चमकीली धूल की तरह, एक चमकीली धुंध की तरह वो थी. At any instant it could have dashed against our ship. किसी भी वक्त वो हमारी शिप से, हमारे जहाज से टकरा सकता था. Meanwhile I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. Meanwhile यानी कि इसी दौरान I was surprised, मैं ताजुब में पड़ गया, मुझे इस बात की हैरत होने लगी. To see, ये देखकर, दैट आवर वारशिप, कि ये जो हमारा जंगी जहाज़ था जो हमेशा लड़ता था, किसी से डरता नहीं था, वॉज फ्लीइंग, वो भाग रहा था, फरार होना चाह रहा था, नॉट फाइटिंग, वो लड़ नहीं रहा था. आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरेगट, और मैंने इसके बारे में कमांडर फेरेगट, जो हमारे इस जहाज़ के, जंगी जहाज़ के कमांडर थे, उनसे मैंने ये कहा, उनको कह के बताया कि यह ऐसा क्यों हुआ. पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि हमारा जहाज़ लड़ने के बजाय भागने की सोच रहा है. हिज फेस ऑर्डिनरीली सो इमोशनलेस, उनका जो चेहरा था कमांडर फेरेगट का, वो हमेशा इमोशनलेस रहता था. आप जैसे देखेंगे कि आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है उनके एक्सप्रेशन, वो कभी मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, एकदम इमोशनलेस होते हैं वो, और ना ही उनके चेहरे पे कभी हमको डर,
खौफ, कुछ नज़र नहीं आता। तो ये कमांडर फैरागट भी वैसे ही थे, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, कोई इमोशंस नज़र नहीं आते थे। शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट, अब मुझे पहली बार लगा कि उनके चेहरे पर मुझे ताज्जुब नज़र आया, वो भी हैरत में थे, ये ऐसा मुझे पहली बार उनके चेहरे को देखकर लगा। प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी, उन्होंने मुझसे जवाब दिया। क्या कहा? प्रोफेसर एरोनेक्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट, मुझे नहीं पता कि मैं किस जानवर के जो है हमारे अगेंस्ट में, हमारे सामने कौन सा जानवर है, कौन है हमें पता नहीं। एंड आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फूलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस, क्योंकि रात का वक्त था। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे सामने जो भी हमारे ओपोनेंट है, जो दुश्मन है, वो अगर हमें पता है कि वो कौन है, कितना ताकतवर है, तो हम जो है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमको पता ही नहीं है कि वो है कौन, सामने हमारा दुश्मन कौन है, कितना ताकतवर है, तो ये हमको पता नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम कोई बेवकूफ़ी भरा कोई कदम उठाएं। बिसाइड्स, हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर, हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट इट, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बजाय हम इस जानवर को अटैक करने के बजाय हम इससे किस तरीके से बचें, ये हमको अब करना चाहिए। लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन वील प्ले अ डिफरेंट रोल, तो हम दिन का इंतज़ार करेंगे, दिन निकलने का, उजाला होने का, रोशनी होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक अलग रोल अदा करेंगे। हम अब जो डिफेंसिव रोल में हैं हम वो छोड़ के हम अटैकिंग रोल हम जो है अपनाएंगे। द होल क्रीव स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग, जितना भी क्रीव यानी कि जहाज़ पे जितना भी अमला होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सिपाही हैं, वो सब रात भर जो है अपने पैरों पर खड़े रहे, कोई बैठा नहीं। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, किसी के जहन में, किसी के भी दिमाग में सोने के बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं आया। अनेबल टू कम्पीट विद द मॉन्स्टर्स स्पीड, और फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन स्लोड डाउन, अब क्योंकि वो मॉन्स्टर जो था उसकी स्पीड का हम सामना नहीं कर पा रहे थे, उससे कंपटीशन हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा जो फ्रिगेट था, जंगी जहाज़, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। हमारे जंगी जहाज़ का नाम था अब्राहम लिंकन, तो वो हमारे जहाज़ ने स्लो डाउन, अब क्योंकि स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, चलो अब उससे कंपटीशन नहीं करते, हम धीमे हो जाते हैं, हम अपनी रफ्तार स्पीड को कम कर लेते हैं। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट, अब जो एनिमल था, जो जानवर था, उसने हमारी मिमिक्री की, यानी कि हमारी कॉपी करने लगा वो भी। सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल, अब वो भी उसकी रफ्तार धीमी कर दिया और हमारे साथ वो भी क्या करने लगा, घूमने लगा, धीरे धीरे जो लहरें हैं लहरों के साथ वो बहने लगा, लेकिन उसने जो जंग का मैदान था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हाउएवर नियर मिडनाइट इट डिसअपियर्ड, अब बहरहाल आधी रात हो गई और आधी रात में जो है वो जानवर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, और टू यूज़ अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज वॉर्म, इससे ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो एक बड़े ग्लो वॉर्म यानी कि एक बड़ा जुगनू जो होता है, उस तरीके से वो क्या हो गया, वेंट आउट, चला गया, हमको ऐसा लगा जैसा वो चला गया है। अब हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, क्या वो हमसे दूर जा चुका है। वी डिड नॉट नो एंड वेयर फिल्ड विथ फियर एंड होप एट द
सेम टाइम हमको ये पता नहीं था वो जानवर है या चला गया, और हम जो है हमारे दिल में फियर था, डर भी था और होप और उम्मीद भी थी कि शायद वो जानवर चला गया होगा। बट एट 12:53 अ डीफनिंग हिस कुड बी हर्ड, लेकिन रात में यानी कि सुबह सुबह के 12:53 पर अ डीफनिंग हिस, एक बहुत ज़ोरदार आवाज़, ऐसी आवाज़ जिससे शायद कोई बहरा हो सकता है, तो ऐसी आवाज़ आई, कुड बी हर्ड, रिजेम्बलिंग द साउंड मेड बाय अ वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रिमेंडस इंटेंसिटी। तो ऐसी आवाज़ आई जैसा कि कोई पानी का जो पाइप होता है उसमें से तेज़ी से पानी या हवा निकलती है, ट्रिमेंडस इंटेंसिटी यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से, जब पानी के पाइप से जैसा पानी या हवा निकलती है तो वैसी हमको बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई। अब हम यहाँ साइड का थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मॉन्स्टर के माने तो हमने देख लिए थे, फ्रिगेट यानी कि स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन वॉर, वॉर में जंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी सी शिप जो बहुत स्पीड से तेज़ी से चलती है, अनअर्थली यानी कि स्ट्रेंज नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ, ऐसा अजीब जानवर जो हमको ज़मीन पर कभी नहीं देखा गया, स्टंड यानी कि शॉक्ड हैरत में पड़ गए, म्यूट अनेबल टू स्पीक यानी कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और उसके बाद ल्यूमिनस यानी कि ब्राइट फुल ऑफ लाइट एकदम तेज़ रोशनी वाला, और उसके बाद फियरसम यानी कि स्केरी फ्राइटनिंग डरावना भयानक, क्रीव यानी कि पीपल वर्किंग ऑन द शिप, शिप पर काम करने वाले लोग, मिमिक्ड यानी कि इमिटेटेड यानी कि हमारी नकल किया, थिंक एंड आंसर सुनो और जवाब दो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नैरेटर, नैरेटर का नाम क्या है, यह हमको कैसा पता चलेगा, यह है प्रोफेसर एरोनेक्स, क्योंकि ये नैरेटर जो कहानी सुना रहे हैं उनसे कमांडर फ्रिगेट ने कहा कि प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप, शिप का नेम क्या है, हमको पता है अब्राहम लिंकन। उसके बाद एट व्हाट टाइम इज दिस इवेंट टेकिंग प्लेस, ये इवेंट कब हो रहा है, ये एट द नाइट टाइम, ये रात का वक्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, बाय देन कमांडर फेरेगट नेडलैंड एंड आई वेयर ऑन द आफ्टर डेक। अब इस वक्त जो कमांडर फेरेगट है हमारे और दूसरा एक जो व्यक्ति है शख्स है नेडलैंड एंड आई और मैं यानी कि प्रोफेसर एरोनेक्स वेयर ऑन द आफ्टर डेक, मैंने आपको बताया था जहाज़ में आफ्टर डेक कौन सा एरिया होता है, तो बीच का डेक का जो एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा सा खुला मैदान जैसा होता है उसके पीछे का जो एरिया है वो आफ्टर डेक होता है। तो हम तीनों वहाँ पर खड़े हुए थे पेयरिंग ईगरली इन टू द डार्कनेस, उस अंधेरे में बहुत ही ध्यान से हम देख रहे थे, पियरिंग के मानी लुक फॉर देखना। टेल मी नेडलैंड इजंट दैट द नॉइस सिटेशियंस मेक व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, अब सवाल पूछा नेडलैंड से कि नेडलैंड मुझे बताओ इजंट दैट द साउंड या नॉइस, ये ऐसा आवाज़ ऐसा शोर नहीं था सिटेशियंस मेक, सिटेशियंस यानी कि जो बड़े व्हेल मछली होती है उसे सिटेशियंस कहते हैं, तो जब वो व्हेल मछली व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, तो आपने देखा होगा कि व्हेल मछली जो ऊपर के उसके जो ब्लो होल्स होते हैं नाक के जैसे सुराख होते हैं उसमें से जब सांस छोड़ती है तो बहुत तेज़ पानी और फव्वारे की शक्ल में निकलता है और हवा निकलती है और ज़ोरदार आवाज़ आता है। तो पूछा उन्होंने नेडलैंड से कि नेडलैंड क्या तुमको नहीं लगता ये जो आवाज़ आई थी हमको रात में वो ऐसी नहीं थी जैसा कि कोई व्हेल मछली जो है अपने ब्लो होल्स में से पानी छोड़ रही है। द वेरी नॉइस सर बट दिस वंस वे लाउडर, उसने कहा कि हाँ सर उससे मिलती जुलती आवाज़ तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आई थी
बहुत ज़ोर से आई थी। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, तो अब कोई गलती नहीं हो सकती थी। देयर इज डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन आवर वाटर्स, तो अब कोई गलती नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली हमारे साथ जो है खेल रही है यहाँ पे पानी में। लर्किंग के मानी है हाइडिंग, छुपी हुई है यहाँ पर, और सिटेशन के मानी मरीन एनिमल लाइक अ व्हेल, व्हेल मछली के जैसा कोई समंदरी जानवर। नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाइट रीअपीयर्ड, अब सुबह सुबह के 2 बजे के करीब फिर से जो रोशनी थी जो छुप गई थी अब फिर से हमको नज़र आई। 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन, हमारा जो जहाज़ था अब्राहम लिंकन उससे 5 मील की दूरी पर हमको वो रोशनी फिर से नज़र आई। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, गेट रेडी फॉर एक्शन, हम सब रात भर अलर्ट रहे दिन निकलने तक के जैसे ही निकलेगा हम एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑन द अलर्ट यानी कि रेडी, ऑन द लुकआउट हम तैयार रहे। व्हेलिंग गियर वॉज सेट अप अलोंग द रेलिंग्स, व्हेलिंग गियर, व्हेलिंग गियर किसे कहते हैं, व्हेलिंग गियर होता है व्हेल को पकड़ने की एक औजार होता है। वॉज सेट अप अलोंग द रेलिंग, रेलिंग यानी कि जहाज के साइड के जो गैलरीज होती हैं जो पाइप्स लगे होते हैं तो वहाँ पर वेयर तैयार कर दिया गया, लगा दिया गया, सेटअप कर दिया गया। व्हेलिंग गियर यानी इक्विपमेंट यूज टू हंट व्हेल्स, व्हेल का शिकार करने का औजार। आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच हार्पून्स एज फार एज अ माइल एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वाउंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल, हमारा जो चीफ ऑफिसर था लोडेड द ब्लंडर बसेस, ब्लंडर बसेस यानी कि एक भाला मारने की मशीन जिसमें जो भाला लगा के मारा, विच कैन लॉन्च हार्पून, हार्पून कहते हैं भाले को, तो जिससे हम भाला मार सकते थे वो मशीन भी तैयार करके उसमें भाला लगा के रेडी रख दिए। एज फार एज अ माइल, 1 मील दूर अगर कोई चीज़ है तो उसको भी उससे जो है मारा जा सकता है, निशाना लगाया जा सकता है, तो वो तैयार कर दिया। एंड लॉन्ग डक गन्स विद एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वाउंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, और हमारे पास डक गन्स थे यानी कि एक टाइप के वो तोप थे और उसमें गोला भी लगा के हमने रेडी रख दिए थे ताकि जो है जैसे हमने उसको मारे तो वो गोला इतना पावरफुल था, वो बुलेट्स इतने पावरफुल थे दैट कैन वाउंड एंड इवन किल द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, के कितना भी पावरफुल एनिमल, कितना भी ताकतवर जानवर हो वो उसको ज़ख्मी कर सकता था और मार सकता था, मतलब हम पूरी अब तैयारी में आ गए थे। नेडलैंड वॉस कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून, नेडलैंड के पास एक हार्पून था और वो अपना हार्पून तेज कर रहा था। अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में ये एक बहुत भयानक हथियार था। एट 6 o'clock डे बिगेन टू ब्रेक, अब सुबह 6 बजे दिन निकलना शुरू हुआ। एंड विथ द डॉन्स अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड, और जैसे ही सुबह की रोशनी होने लगी तो वो जो जानवर था उसकी जो ग्लो थी, जो चमक थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस, लेकिन सुबह 7 बजे सुबह सुबह की जो धुंध थी, जो कोहरा था वो पूरा छा गया। आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेयर अनेबल टू पियर्स इट, हमारे जो बेस्ट स्पाई ग्लासेस यानी कि जो दूरबीन होती है उससे भी हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। द आउटकम, अब इसका नतीजा ये हुआ, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, यानी कि हम फिर से डिसअपॉइंट हो गए, मायूस हो गए और फिर से हमको गुस्सा भी आ गया कि अब दिन निकलेगा लेकिन फिर भी हम जो है इस कोहरे की वजह से, इस धुंध की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
At 8 o'clock, the mist rolled away and the horizon grew wider and clearer. अब 8 बजे के करीब कोहरा जो धुंध है वो छट गया और अब सब चीज़ साफ नज़र आने लगी और जो होराइज़न था यानी कि जो फ़क थी वो पूरा चौड़ा हो गया, अब सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था. सडनली नेडलैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड, अचानक नेडलैंड की आवाज़ हमको आई. देयर इज़ द थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न टू पॉड, यानी कि वो रही वो चीज़ जिसके बारे में सवाल हो रहा है, यानी कि जो चीज़ किसी के समझ में नहीं आ रही है वो रही. एस्टर्न टू पोर्ट यानी कि जहाज़ की एक डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, एस्टर्न टू पोर्ट. एस्टर्न पोर्ट यानी कि सामने का जो हिस्सा होता है लेफ्ट साइड का और पीछे का, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ सामने से पीछे की तरफ वो जानवर है. द हार्पूनर शाउटेड, हार्पूनर ने चिल्लाया. एवरी आई लुक टुवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड, जिस तरफ दिखाया गया सब लोग उधर देखने लगे. देयर अ माइल एंड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी एमर्ज अ मीटर अबाउ द वेव्स, वहाँ पर हमारे से एक से डेढ़ मील दूर एक ब्लैक बॉडी, एक काले रंग की बॉडी वहाँ पर पानी से एक मीटर ऊपर आई, लहरों से एक मीटर ऊपर. क्विवरिंग वायलेंटली इट्स टेल वाज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, और ज़ोर से जो है थरथराते हुए उसकी जो टेल थी उसके दुम से बहुत ज़्यादा करंट वहाँ पर पैदा हो रहा था. गेसिंग द मीनिंग ऑफ एस्टर्न टू पोर्ट, यूज द पिक्चर ऑन पेज 96. पेज नंबर 96 की जो पिक्चर है वो रेफ़र करो बोल रहा हूँ उन्हें एस्टर्न टू पोर्ट के लिए. तो हम देखते हैं 96 पे, मैंने आपको बताया था ये है पोर्ट और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है यानी कि शिप के लेफ्ट साइड में वो जानवर हमको नज़र आया. ठीक है, उसके बाद इमर्ज यानी कि केम आउट, बाहर आया. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. द क्रू वेयर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर, हमारा जो क्रू था वो हमारे लीडर के ऑर्डर के लिए रुका हुआ था कि हमारे लीडर हमको कब ऑर्डर देता है हमला करने का. द लेटर After carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full steam toward the animal. उसके बाद आखिरकार हमारे जो कप्तान थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब क्या करो इस जहाज़ को, पूरी स्पीड से इंजीनियर को ऑर्डर दिया कि फुल रफ्तार से जितनी भी रफ्तार है उस स्पीड से उस जानवर की तरफ जहाज़ को लेकर चलो. थ्री चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर, तो सबने खुशी से चीयर्स किया. द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड, अब जंग का जो वक्त है वो शुरू हो चुका था, अब जंग का बिगुल बज चुका था. यहाँ पे एक वर्ड है सेल फुल स्टीम यानी कि सेल एट फुल स्पीड, पूरी स्पीड से पूरी रफ्तार से. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल, कुछ ही लम्हों में कुछ ही देर में अब्राहम लिंकन जहाज़ जो था हमारा वो सीधा उस जानवर के सामने जाकर खड़ा हो गया. अनकंसर्न द लेटर लेट अस कम नियरर, इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड केप्ट इट्स डिस्टेंस, लेकिन अब हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वो जानवर ने हमको अपने करीब आने दिया और उसने भी अपनी रफ्तार जो है थोड़ी सी पकड़ लिया और हमारे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो भी चलता रहा. दिस चेज ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 hours विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल, अब ये 3/4 hours यानी कि 1/4 घंटा लगभग जो है ये चेज चलती रही. वो जानवर ने जितने करीब हमको आने दिया था पहले अब उससे ज़्यादा हमको करीब नहीं आने दे रहा था, वो भी
दौड़ रहा था। एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट। अब उस जहाज़ की भी स्पीड हमारी जितनी ही थी और हमारी भी स्पीड, अब इतनी स्पीड से हम उस जहाज़ को, उस जानवर को कभी भी नहीं पकड़ सकते थे। द अब्राहम लिंकन गैदर स्पीड बट सो डिड द एनिमल। अब अब्राहम लिंकन जो हमारा जहाज़ था उसने भी बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ी, लेकिन वो जानवर भी उतनी ही तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा था, भाग रहा था। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। और अगला घंटा ऐसे ही चलता रहा, एक घंटा। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास ट्रिम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। अब अब्राहम लिंकन इतनी रफ्तार में आ गया था कि वो जो उसके मस्तूल है वो थरथरा रहे थे, यानी कि पूरा जहाज़ वाइब्रेट हो रहा था। वॉट अ चेस। नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शुक माई वेरी बींग। इतना खतरनाक चेज, इतना खतरनाक पीछा मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। नेडलैंड स्टेड एट दिस पोस्ट हार्पून इन हिज इन हैंड। जो नेडलैंड था वो अपनी जगह जो पोस्ट थी वो वहाँ पर खड़ा रहा गैलरी के पास अपना हार्पून लेकर, बिल्कुल तैयार कि जैसे ही वो जानवर करीब आएगा मैं उसको उसके ऊपर हमला कर दूंगा। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेटस अप्रोच देन जस्ट एज हार्पनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सिटेशन वुड स्टील ऑफ स्वीटली। कई मरतबा उस जानवर ने हमको अपने आप के करीब आने दिया, लेकिन जैसे ही हार्पनर उसके ऊपर हमला करने वाला था वो जो सिटेशन था वुड स्टील ऑफ स्वीटली, वो तेज़ी से वहाँ से खिसक जाता था। यहाँ पर स्टील ऑफ के मानी है मूव अवे, तेज़ी से निकल जाता था। कमांडर फेरेगट देन डिसाइडेड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड्स। अब कमांडर फेरेगट ने कहा कि ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं हो रहा, अब हम कुछ डायरेक्ट मेथड, कुछ अलग डायरेक्ट हमला जो है हम इसके ऊपर करेंगे। बा ही सेड सो दैट एनिमल इज़ फास्टर देन द अब्राहम लिंकन। अच्छा, तो ये एनिमल जो है, ये जानवर हमारे अब्राहम लिंकन से बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऑल राइट मेट मैन द गन इन द बो। मेट यानी कि असिस्टेंट को कहते हैं यहाँ पे, तो उसने असिस्टेंट से कहा कि जो गन है यानी कि जो तोप है उसके अंदर अब आप क्या करो, गोला भर लो, उसमें गोला डाल दो और उसको तैयार कर दो, अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट हमला करेंगे। अवर फोरकास्टल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। हमारा जो फोरकास्टल कैनन था यानी कि तोप जो था और उसमें गोला भर दिया गया, उसको लोड कर दिया गया एंड लेवल्ड, और उसको लेवल कर दिया गया यानी कि सही जगह ला के उसको सही निशाने पर उसको लगा दिया गया। द कैनोनियर फायर्ड अ शॉट बट हिज शेल पास सम फीट अबव द सिटेशियन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। और जैसे ही जो कैनोनियर था, जो तोपची था, उसने जैसे ही गोला दागा वो गोला उस सिटेशियन से थोड़ा ऊपर से निकल कर दूर जाकर गिर गया, उसको लगा नहीं। यहाँ पर मानी दिया मीनिंग है गेस द मीनिंग ऑफ कैनोनियर। कैनोनियर यानी कि जो तोप चलाता है उसे कैनोनियर कहते हैं। ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड। कमांडर ने चिल्लाया कि और कोई है जो इससे भी अच्छा निशाना लगा सकता है। एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इन्फर्नल बीस्ट। वो जो जानवर है, जो राक्षस है, उसको अगर कोई पियर्स करता है यानी कोई छेद देता है, उसको सही निशाना लगाता है, तो उसको $500 का इनाम दिया जाएगा, ऐसा कमांडर ने कहा। काम ऑफ आई कूल ऑफ फीचर एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर। एक काम ऑफ आई यानी कि जिसके आंखें जो थी एकदम काम थी, पूरा सुकून थी, यानी कि जिसकी आंखों में बिल्कुल सुकून था। कूल ऑफ फीचर यानी कि जो जिसका जो मिजाज था वो कैसा था, एकदम कूल था। एंड एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड, एक बूढ़ा ग्रे बियर्डेड भूरी दाढ़ी वाला गनर,
वहाँ पर आया। आई कैन सी हिम टू दिस डे, यानी कि आज तक उसका चेहरा मेरी आँखों में है, घूम रहा है। अप्रोच द कैनन, वो तोप के पास आया। पुट इट इन पोजिशन, उसको पोजिशन में लगाया, सही जगह निशाना लगाया। एंड टुक एम फॉर अ गुड व्हाइल, और बहुत देर तक उसका निशाना लगाता रहा। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन, और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मिंगल्ड विथ चीयर्स फ्रॉम द क्रू, और पूरी क्रू ने चीयर्स का, यानी कि वो निशाना बराबर जाकर लगा, और जितने भी जहाज़ के क्रू थे, जो लोग थे, सब ने चीयर्स कहा। द शेल रीच इस टारगेट, गोला जाकर बराबर उस टारगेट पर लगा। इट हिट द एनिमल, उसने जानवर को मारा। बट बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश इन टू द सी 2 miles आउट, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसके जो शेल था जानवर के ऊपर वो गोला लगा और टप्पा खा के उछल कर चला गया, मतलब उस जानवर के अंदर नहीं घुस सका वो, और 2 miles दूर जाकर वो जो गोला है वो गिर गया। ओ ड्रैट, सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, उसने कहा ओ ड्रैट, यानी कि गारत हो या लानत हो, उसने गनर ने गुस्से से कहा। दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट, ऐसा लगता है कि वो जो जानवर है उसके बॉडी पर 6-inch मोटी लोहे की आर्मर प्लेट है, यानी कि उसकी जो स्किन है वो लोहे के बनी हुई ऐसा लग रहा है। आर्मर यानी कि मेटल कवरिंग। आर्मर हमने देखा है जंग में, आप पुराने जो मूवीज़ वगैरह देखेंगे, जो ढाल होती है उसे कहेंगे। तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो है 6-inch मोटे लोहे की ढाल बनी हुई है। द हंट वॉज ऑन अगेन, अब शिकार फिर से शुरू हो गया। आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरीनेस, घंटों घंटों गुजर गए लेकिन उस जानवर में भी कोई हमको वियरीनेस यानी कि कोई थकावट नज़र नहीं आ रही थी। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली, कहा ये भी जा सकता है कि हम पूरी जो है हमने अपनी अनथक कोशिश जारी रखी, बिना रुके हम भी कोशिश करते रहे। एट 10:50 इन द इवनिंग, अब रात में 10:50 पे द इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट, अब फिर से वो गायब हो गया। फिर रात में 10:50 पे फिर से जो उसकी रोशनी है हमारे जहाज़ से 3 miles की दूरी पे हमको नज़र आई। जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर, एक रात पहले जैसा हमको नज़र आ रही थी, जितना साफ वैसा ही अभी भी नज़र आ रही थी। द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, अब वो मॉन्स्टर हमको लग रहा था बिल्कुल मोशनलेस, यानी कि उसमें कोई हरकत नहीं थी। वॉज इट अस्लीप, परहैप्स हो सकता है कि वो सो गया हो। वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, हो सकता है दिन भर के जो काम किया है उससे वो थक गया हो। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, सिर्फ वो लहरों के साथ बह रहा था। दिस वॉज अवर चांस, अब हमारा चांस आ गया था, हमारा मौका आ गया था। एंड कमांडर फैरागट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, अब कमांडर फैरागट ने कहा कि अब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। ही गेव हिज ऑर्डर्स, उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, हमारी जो फ्रिगेट थी बिना आवाज़ की एकदम खामोशी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टॉप 2 cable lengths फ्रॉम द एनिमल, केबल लेंथ यानी कि एक नापने की इकाई है, मेजरमेंट का केबल लेंथ से भी नापा, जैसा कि मीटर किलोमीटर होता है वैसे में ही एक केबल लेंथ एक यूनिट है। फ्रॉम द एनिमल, जानवर से सिर्फ 2 cable lengths की दूरी पर हम थे। अ प्रोफाउंड साइलेंस रेंड ओवर द डेक, एक साइलेंस एक खामोशी जो डेक थी उसके ऊपर, प्रोफाउंड यानी कि डीप, एक गहरी खामोशी जो हमारा डेक था उस पर आ गई, यानी कि हर कोई एकदम खामोश हो गया। वी वेयर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट, हम उस रोशनी से अब 100 feet से भी कम दूरी पर आ गए थे। हुज ग्लो
वाज स्ट्रॉन्गर एंड डेजल्ड द आइज। अब उसकी रोशनी बहुत तेज हो रही थी और हमारी आंखों में चमक रही थी। चलिए देखते हैं लास्ट पेज। जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकास्टल रेलिंग, तभी जो रेलिंग थी, जो गैलरी थी, आई सा नेड लैंड बिलो मी, मैंने नेड लैंड को मेरे पीछे देखा, नीचे देखा, ब्रैंडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, जो उसका भयानक हार्पून था, जो एक भाले के जैसा एक हथियार था। ब्रैंडिशिंग यानी कि मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा था उस भाले को लेकर नेड लैंड। बेरली 20 feet सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल, उस जानवर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 feet दूरी पर होगा। ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च, फिर अचानक उसने तेज़ी से अपना जो हार्पून है वो मारा। आई हर्ड द वेपन मेकिंग अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस, अब जैसे उसने भाला मारा वो भाला जाकर उस पर लगा और ऐसी आवाज़ मुझे आई जैसा कि किसी सख्त जो सब्सटेंस है, कोई पत्थर या किसी लोहे की चीज़ पर वो जाकर लगा हो, भाला उस जानवर के अंदर घुसा नहीं। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट एंड टू इनॉर्मस वाटर स्पॉट्स क्रैश्ड ऑन टू द डेक, और जैसे ही वो भाला लगा उसकी जो लाइट थी उस जानवर की वो बंद हो गई। एंड टू इनॉर्मस वाटर स्पॉट्स यानी कि दो तेज फव्वारे क्रैश्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, वो सीधा आके जो तेज़ लहरें थे वो हमारे फ्रिगेट से आके टकराए। रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर, एक टॉरेंट की तरह यानी कि ह्यूज स्ट्रीपी स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक तेज़ पानी की लहर की तरह, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर, हमारे शिप के एक कोने से दूसरी कोने तक एक तेज़ लहर दौड़ते हुए आई। टॉपलिंग क्रूमैन, उसने जो क्रूमैन थे उनको भी क्या किया, गिरा दिया। ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैस्टिंग्स, तो जो जहाज़ के जो खंभे थे उसके जो पर्दे थे वो सब गिराते हुए तोड़ते हुए वो जाने लगे। यार्ड आर्म्स यानी के जो साइड के पर्दे होते हैं, और मास्ट यानी के जो उसके खंभे होते हैं, वो सब तोड़ते हुए वो लहर जो है निकल गई। अ हाइड्रस कॉलिजन ऑकर्ड, एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई। एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, और जो रेलिंग थी, जो साइड की गैलरी थी, उससे मैं भी क्या हो गया, गिर गया, सब नीचे गिर गए। आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी, मैं भी पूरी तेज़ी से क्या हो गया, समंदर के अंदर फेंक दिया गया यानी कि जाकर गिर गया, यहाँ पे हर्ल्ड यानी कि थ्रोन। तो एक तेज़ लहर जो है जहाज़ के एक कोने से दूसरी कोने की तरफ बहुत बड़ी लहर आई, और साथ में क्या हो गया, जितने भी जहाज़ के ऊपर लोग खड़े हुए थे वो पूरे समंदर के अंदर जाकर गिर गए। तो ये अडाप्टेड फ्रॉम 20,000 लीग अंडर द सी बाय जूल्स वर्ने, ये छोटा सा एक हिस्सा लिया गया है इस जो नावल है उसका नाम है 20,000 लीग अंडर द सी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, एक बड़ा नावल है ये, आप गूगल से इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें से ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है बाय जूल्स वर्ने का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके जो एक्सरसाइज है, इंग्लिश वर्कशॉप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।